दतिया से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां गुंडे माफियों के मकानों पर सीएम के बुलडोजर चलने का मामला सामने आया है। दरअसल गुंडे माफियों के मकानों पर बुलडोजर चल रहे हैं। पुलिस को जानकारी मिली थी कि आरोपी नफीस खान और हेमंत कुशवाहा ने मकानों पर कब्जा जमा लिया है। आपको बता दें कि इन दोनों आरोपियों पर कई गंभीर अपराध दर्ज है। साथ ही गुरुवार को एसडीएम ऋषि कुमार सिंघल और एसडीओपी के दल बल के साथ अवैध मकानों को जेसीबी से तोड़ा गया है। इस मामले को लेकर एसडीएम ने क्या कहा, सुनिए। ये गुंडा और माफियाओं के विरुद्ध जो उनका अतिक्रमण है शासकीय भूमियों पर, उसको तहस नहस करने की कार्रवाइयां हैं। माननीय मध्य प्रदेश शासन और माननीय कलेक्टर और एसपी महोदय के निर्देश अनुसार ये कार्रवाइयां की जा रही हैं। ये जो वर्तमान में कार्रवाइयां हैं जो आज हुई हैं, वो एक नफीस खान और एक हेमंत कुशवाहा के विरुद्ध की गई हैं। सर और भी अगर और ये पोरशा मुरैना का रहने वाला है, अवैध रूप से यहाँ सपा पहाड़ पर इसने एक मकान बनाया था और इस पर बहुत सारे अपराध दर्ज हैं। लगभग 8 अपराध हैं और ये आत्तन अपराधी है। इस पर कार्रवाई की जा रही है और इसका अवैध मकान ध्वस्त किया जा रहा है शासन की मंशा अनुरूप और कलेक्टर महोदय और एसपी साहब के आदेश अनुसार। इसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। अब देखना यह होगा कि पुलिस दोनों आरोपियों को कितने वक्त में गिरफ्तार करती है और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। समाचार प्लस के लिए दतिया से रजनी लिटोरिया की खास रिपोर्ट।